Hello morning my students. Now I am going to explain you like little poem. Written by Alfred Noyes. Alfred Noyes born in 16 September 1880 and died in 25 June 1958. He was an English poet, a short writer, the story writer, and playwright. Best known for the Bloods. Bloods means poet, a poem. The Highwayman and the Viral Organ. His father Alfred taught him Latin and Greek. उनके पिता लैटिन और ग्रीक भाषा भी सिखलाए थे. He published his first book of poem in 1902. Poem की पहली जो है किताब उन्होंने 1902 में published हुआ उनका. In 1949, as a result of increasing blindness, he dictated all his subsequent works. लेकिन चूंकि 1949 में वे अंधे हो गए थे और वे पूरे अपने काम डिक्टेट करके करवाते थे, बोलते थे कोई लिखने वाला लिखता था, और अंत में पोलियो के शिकार होने से उनकी मृत्यु हो गई. नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी द पोएम. द नेम ऑफ द पोएम डैडी फेल इनटू द पॉन्ड मीन्स जलाशय. डैडी कहा जाता है फादर. सो सी हियर. See here, and first of all, I want to explain the word meaning. Word meaning, see here, grumble. Grumble means complain in a quiet voice. Dismal, happy. Dismal means dull or sad. Dismal means dull or sad. Merry, happy. Crawling. Moving along the floor on hands and knees. Moving along the ponds. Along the floor on hands and knees. हाथ और घुटना के बल पर चलने को कहा जाता है crawling. Duckweed. Duckweed means plant which float on water. Quack. Quack sound of duck. So, see here. Everyone grumbled. हर एक आदमी को कुछ न कुछ परेशानी होती है, कुछ न कुछ गिरिभांस होती है, कुछ न कुछ बात कहने की होती है. The sky was grey. आकाश कैसा है? ग्रे कलर का है, ब्राइटनेस नहीं है, धुंधलापन है. वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से. हम लोग के लिए नहीं कुछ कहने में बनता है, नहीं कुछ कहने के लिए है और नहीं कुछ करने के लिए. जब आदमी उदास मुद्रा में होती है, जब आदमी दुखी मुद्रा में होती है, तो ना उनके पास में कोई शब्द होता है एक्सप्लेन करने के लिए, ना तो कोई काम करने में उनको मन लगता है. उस दिन की जिधर दृष्टि जाती है उधर ही उदासी छाई रहती है. सो आकाश को देखिए तो वह भी ब्राइटनेस नहीं है, वह भी ग्रे कलर का होता है, क्लाउडी होता है. एंड और देन देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड. और कहता है कि आगे भी इस तरह से आगे भी हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है. यानी दुखी जब मन होता है आदमी को तो फ्यूचर में भी नहीं दिखाई पड़ता है. वर्तमान में तो नहीं दिखता है, फ्यूचर में भी वही कहानी हो जाती है. Then daddy fell into the pond. लीजिए अब दुखी होकर आदमी जब out of concentration in mind, he moves wandering here and there, and that is why lack of concentration he work. He do not want to, he have no desire in spite of he work unnecessarily. Same daddy see the, he is the sadness, he feel a sadness and moving, but he fell into the pond.
दुखी होकर इधर उधर जा रहे होंगे और वह पौन में गिर पड़े। एंड एवरी वंस फेस ग्रीव मेरी एंड ब्राइट, और जो भी उनको गिरते हुए देखा, यानी दुखी होने पर कोई भी आदमी जब कहीं धोखा में पड़ता है तो वैसे जोक के रूप में लोग उस पर हंस पड़ते हैं, इसी तरह से बच्चे उनकी देखकर खुशी के मारे हंस पड़े या प्रत्येक आदमी हंस पड़ा। एंड टिमोथी डांस्ड फॉर सियर डिलाइट, यहाँ तक कि बच्चे खुशी होकर नाचने भी लगे। गिव मी ए कैमरा क्विक ओ क्विक, जल्दी से ने कैमरा लाइए। इसमें डैडी जब फेल इनटू पॉन्ड, जब पॉन्ड में गिर पड़ा तो कहता कि जल्दी लाइए कैमरा, मैं इनको फोटो थोड़ा सा ले लूँ। ही इज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डेक वीड, जब वो पॉन्ड में गिर पड़े तो पॉन्ड में जो भी प्लांट्स थे, पौधे थे, उनके बीच से हुए बेचारे किसी तरह क्रॉलिंग करके वे बाहर निकलने लगे। निकल ना जाए इस जल्दी कैमरा लाओ, क्लिक करते हैं, फोटो ले लेते हैं। देन द गार्डनर सडनली स्लैप्ड हिज किंग इन नी एंड डबल्ड अप शेकिंग साइलेंटली, इतने में जो माली था, गार्डनर था, वह तुरंत अपने बैठा हुआ था, वह घुटने पर हाथ रखकर वह बेचारा खड़ा हुआ, बहुत तेज़ी में उनको जो थरथरा रहे थे उनको खींचने की तैयारी किया, निकालने की तैयारी किया। एज द डक ऑल क्वेक एज इफ दे वेयर डाफ्ट, जैसा कि बत्तखें जो थी उसमें वाटर में, वो आवाज़ करके इधर उधर से आवाज़ चिल्लाने लगी मूर्खतापूर्वक, जैसे मानो कुछ बेवकूफ़ी पूर्वक कार्य हुआ। एंड इट साउंडेड एज इफ द वर्ल्ड ड्रेक लाफ्ट, और इस तरह से उसने आवाज़ किया जैसे कोई बुजुर्ग आदमी जो है दुखी होकर वो हंसता है। ओ देयर वॉज नॉट ए थिंग डैट डिड नॉट रिस्पॉन्ड वैन, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ नहीं था जो प्रतिरोध में जवाब उसका दिया जा सके। डैडी फेल इन टू द पॉन्ड, डैडी फेल इन टू द पॉन्ड। इन दिस पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब अबाउट द पर्सन हु इज इन ए ट्रेजर, ए पर्सन हु इज इन ए ट्रेजर, ही डन एन एक्टिविटी वंडरफुल, ही फुल ऑफ सोरो, ही मूविंग हेयर एंड देयर एंड आउट ऑफ कंसेंट्रेशन ही फेल इन टू द पॉन्ड, बट आफ्टर द स्लीपिंग हिज बॉडी द चिल्ड्रेन एंड द यंग मैन हु वेयर स्टैंडिंग देयर लाफ्ट एंड लाफ्ट, बट द ओल्ड मैन गार्डनर मूव्ड क्विकली फॉर हेल्प देम एंड द ऑल क्रिएचर्स ही वेयर लिविंग इन द पॉन्ड एंड प्लांट्स द ओल्ड पर्सन क्वेरेंटी वॉन्टेड टू आउट ऑफ द वाटर एंड डक विच इन ही मूविंग एंड फियरफुल ए मूविंग वॉकिंग क्विकली। सो इन दिस पोएम द पोएट वॉन्ट टू से दिस प्लेन अबाउट द पॉन्ड्स एंड द मैन हु फेल इन टू द पॉन्ड। सी हियर व्हाट्स द मीनिंग, ग्रम्बल्ड कंप्लेंट इन ए क्वाइट वॉइस, क्वाइट वॉइस दुखी की आवाज़ में चुप होकर, कोई झटका लगने पर आदमी को चोट लगता है तो आवाज़ जो होती है वो चिल्लाता है कि हमको बचाओ, उस आवाज़ में उसको ग्रम्बल्ड कहा जाता है, दुखी होकर आवाज़। मेरी हैप्पी डिसमल डल और सैड क्रॉलिंग मूविंग अलोंग द फ्लोर ऑन हैंड्स एंड कीज, क्वैक साउंड ऑफ डक डकवीट प्लांट्स विच फ्लोट ऑन वाटर। Choose the correct option. What was the color of the sky when the incident took place? When the incident took place, the color of the sky was grey. Everyone grew merry and bright. Everyone's face grew merry and bright. When Daddy fell into the pond, it was
द बिगनिंग ऑफ द डे. हु सडनली स्लैप्ड हिज नी द गार्डनर. हाउ मेनी थिंग्स वेयर देयर एट दैट डिड नॉट रेस्पॉन्ड. हाउ मेनी थिंग्स वेयर देयर दैट डिड नॉट रेस्पॉन्ड. All things were there, but that did not respond. State true, false. The sky was blue, false. In the beginning, everyone grumbled, false. The dogs began to bark when the father fell into bed, false. The gardener slapped his face, false. Father crawled out of the pond, true. Answer the question. Who fell and where? कौन गिरा और कहाँ गिरा? Daddy fell into the pond. अब हम नहीं बताएंगे आंसर. आप मैं समझा दे रहा हूँ. आप लोग से आंसर मांगेंगे. Why did everyone turn merry and bright? वहाँ पर जो लोग थे वे क्यों खुश हो गए और खुश होके वे ब्राइट चेहरे खिल गया. Describe the different moods in the poem. इस poem में अलग अलग जो स्वभाव था, अलग अलग जो आदमी का मूड था, उसको वर्णन करना है. डैडी का मूड क्या था, गार्डनर का मूड क्या था, बच्चे का मूड क्या था, यही लिखना है. Why was the camera needed? कैमरा क्यों जरूरत थी? चूँकि डैडी गिर गए थे. कहाँ गिर गए थे? पॉन्ड में. अब पॉन्ड में गिरने के लिए बच्चों चाह रहे थे खुशीपूर्वक एक फोटो ले लें. फाइंड आउट अदर राइमिंग वर्ड्स लाइक ग्रे. ये बुक में आप पोएम पढ़ें और लास्ट लेटर ग्रे है, वाई है, फोनेटिक वर्ड्स है, इसीलिए आप उसका चुन के लिखें. जैसे एवरीवन ग्रम्बल्ड द स्काई वाज ग्रे, नथिंग टू से, डिसमिस डे, एटसेट्रा. Complete the following lines. Who had nothing to? We had nothing to do and nothing to say. All the ducks all quacked. All the ducks All the ducks all quacked. All the ducks all quacked as if they were daft. When daddy fell into the pond, there was nothing. जब daddy pond में गिर गए तो there was not a thing. कोई बात नहीं था. When daddy fell into the pond, there was not a thing. Dad did not respond. Find the words from the poem that have similar meaning. Happy, merry, quietly, quietly, grumbled. Answered, respond. Write all rhyming words used in the poem. One has been done for you. Gray, say, beyond, pond, bright, delight, quick, click, etc. So, at last, I am going to stop because this
एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस पोएम. सो मेनी थैंक्स फॉर यू.